हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 एनसीईआरटी पर आधारित विज्ञान का अध्याय फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम कक्षा 6 की और कक्षा 7 की एनसीईआरटी की विज्ञान कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अध्याय फर्स्ट, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसके वो सारे पॉइंट आपको बताए जाएंगे जिससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है, हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। सेकंड पॉइंट, लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। क्या हुआ, लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व क्या था, जो मनुष्य थे वह इधर उधर घूमते रहते थे, घुमंतु थे, एक स्थान से दूसरे स्थान वह भोजन, खाना पीना और आवास की खोज में विचरण करते रहते थे। और वे क्या खाते थे, कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उन्हें खेती की जानकारी हुई। खेती में उन्होंने गेहूं, चावल तथा अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित करना स्टार्ट किया। इसी प्रकार धीरे धीरे कृषि का प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। किसे फसल कहते हैं, जब एक ही तरह के पौधे जैसे गेहूं के पौधे उगाए जाते हैं तो पूरे खेत में जितने भी गेहूं के पौधे होंगे उन सभी को मिलाकर ही हम क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक होते हैं। फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, कौन कौन से, खरीफ फसल और रबी की फसल। आगे देखेंगे ये खरीफ फसल और रबी की फसल होती क्या है। सबसे पहले खरीफ फसल, ये क्या होती है, जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। कब बोया जाता है खरीफ फसलों को, वर्षा ऋतु में। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, कपास इत्यादि फसल खरीफ फसलें हैं। भारत में तो खरीफ फसलें कब बोई जाएंगी, जून से सितंबर तक, क्योंकि भारत में वर्षा ऋतु का समय समानता कब से कब तक होता है, जून से सितंबर तक। और खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, धान, मक्का, सोयाबीन, कपास ये इत्यादि फसलें आती हैं खरीफ की फसलों के अंतर्गत। नेक्स्ट है रबी की फसल, रबी फसल क्या होती है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। कब उगाई जाती हैं, ये शीत ऋतु में। और खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं, वर्षा ऋतु में। और रबी की फसल बोई जाती हैं शीत ऋतु में। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। कौन कौन से हैं रबी फसल के उदाहरण, गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी इत्यादि। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है, धान को शीत ऋतु में उगाया नहीं जाता है क्योंकि इसे अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। धान को शीत ऋतु में उगाया नहीं जा सकता, इसे केवल और केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जा सकता है क्योंकि धान में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि से संबंधित क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। कृषि से संबंधित जो भी क्रियाकलाप या कार्य किए जाते हैं कृषि करने में, वो सभी क्या कहलाते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। जैसे मिट्टी तैयार करना, जब खेतों में कुछ बोया जाएगा तो उससे पहले मिट्टी को तैयार किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, बुआई की जाएगी, फिर उसको खाद एवं उर्वरक दिया जाएगा, सिंचाई की जाएगी, खरपतवार से सुरक्षा की जाएगी, कटाई की जाएगी और जो उत्पाद प्राप्त होगा फिर उसका क्या किया जाएगा, भंडारण। तो ये सभी क्या कहलाती हैं, कृषि पद्धतियाँ। अब सबसे पहले हम देखेंगे मिट्टी तैयार करना क्या होता है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। सबसे पहले क्या करते हैं, फसल उगाने के लिए मिट्टी को तैयार करते हैं। तो मिट्टी तैयार करना क्या हो गया, प्रथम चरण।
मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें जमीन में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। क्या है? मिट्टी को पलटना या इसे पोला बनाना। मिट्टी को कैसा बनाना? पोला बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। पोला बनाने से मिट्टी में क्या होता है, जो हम बोते हैं उसकी जड़ें ज़्यादा गहराई, पोली ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक जाएंगी तो ज़्यादा गहराई तक जाती हैं, उससे उन्हें क्या होता है, श्वसन आराम से पोली मिट्टी में जड़ें कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। पोली मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे केंचुए और सूक्ष्म जीव, तो ये आराम से वृद्धि कर सकते हैं, आराम से पोली मिट्टी में यह रह सकते हैं। ये मिट्टी को पलटकर पोरा करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। ये जो केंचुए और सूक्ष्म जीव मिट्टी में रहते हैं, ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं और क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। पिछले वीडियो में ह्यूमस बताया जा चुका है कि क्या होता है, जिसने ना देखा हो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी के ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। क्या कह रहा है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसकी कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती, मतलब पूरी मिट्टी पौधे की वृद्धि में सहायक नहीं होती, उसकी ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर सहायक होती है। उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। जब मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है या उसको पोला बनाया जाता है तो उससे क्या होता है कि जो मिट्टी की उपजाऊ परत होती है वह उलटती पलटती रहती है और उससे क्या होता है, उसके जो पोषक पदार्थ होते हैं वह ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक होता है। यह कार्य अनेक औजारों जैसे हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर से किया जाता है। अच्छी उपज के लिए क्या करना होता है, मिट्टी जो हो वो भुरभुरी होनी चाहिए। और उस मिट्टी को भुरभुरी कैसे बनाया जा सकता है, हल के द्वारा, कुदाली के द्वारा एवं कल्टीवेटर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन काल से ही हल का प्रयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता था। सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता था, प्राचीन काल से ही हल का प्रयोग किया जाता था। ट्रैक्टर तो बाद में आए हैं, सबसे पहले हल का ही प्रयोग किया जाता था। ये देखिए, यहाँ पे एक हल दिखाया गया है और ये बैलों में हल कैसे लगाया जाता है ये भी दिखाया गया है। ये देखिए, ये हल होता है ऐसा, इसमें लोहे की यहाँ पर एक तिकोनी सी पत्ती लगी होती है, उसको क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। और इसका जो मुख्य भाग होता है ये लकड़ी का, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हल सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हल, हल क्या होता है, हल की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है। हल में लोहे की एक मजबूत तिकोनी पत्ती होती है। कहाँ पे होती है ये वाला भाग, एक मजबूत तिकोनी पत्ती होती है यहाँ पे, जिसे क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल सेप्ट कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ये मुख्य भाग है, ये किसका बना होता है, लंबी लकड़ी का बना होता है, इसे सेप्ट कहते हैं। और खोदने का काम कौन करता है ज़मीन में, ये जो लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती है ये खोदने का कार्य करती है, ये यहाँ पे यही है। नेक्स्ट पॉइंट है, कल्टीवेटर, कल्टीवेटर क्या होता है, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। पहले किससे की जाती थी जुताई, बैलों एवं हल के द्वारा, अब किसका प्रयोग किया जाता था, ट्रैक्टरों द्वारा संचालित कल्टीवेटर। ट्रैक्टरों में ये पीछे कल्टीवेटर लगे रहते हैं, जिससे आसानी से और जल्दी ही जुताई हो जाती है। अब आगे देखेंगे बुआई क्या होता है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जुताई करेंगे, और फिर जुताई के बाद क्या करेंगे, उसमें बीज बोएंगे। बुआई क्या होता है, उत्पादन का, फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण एक चरण होता है। और कैसे बीजों का चयन करना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाले, अगर बीज अच्छे होंगे तो फसल भी अच्छी होगी।
जो बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं वे बीज क्षतिग्रस्त बीज होते हैं, वे पूरे या आधे खोखले होते हैं, इस कारण बीज हल्के होते हैं और वे तैरने लगते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को हम कैसे पहचान सकते हैं? अगर उन बीजों को जल में डालेंगे, जो भी बीज हैं हमारे पास, तो उनमें जो बीज ऊपर जल के ऊपर तैरने लगेंगे वह क्या होंगे? क्षतिग्रस्त या खराब बीज होंगे, और जो जल के नीचे बैठ जाएंगे वह अच्छे बीज होंगे। क्षतिग्रस्त बीज जो होते हैं उनकी और क्या पहचान होती है? वह पूरे या आधे खोखले होते हैं और ये बीज हल्के भी होते हैं और ये जल में आसानी से तैरने लगते हैं, तो ये खराब बीजों की पहचान होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये दो या तीन नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। परंपरागत रूप से पहले बीजों की बुआई कैसे की जाती थी? वो भी बैलों के द्वारा ही की जाती थी। ये यहाँ पे दिखाया गया है, एक कीप लगा एक औजार होता है। तो इससे क्या होता था, इसी में से जो बीज होते थे उनको डाला जाता था और वह दो या तीन नुकीले सिरे वाले होते थे, दो या तीन नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते थे और मिट्टी को भेद कर बीज में बीज को स्थापित कर देते थे। तो ये क्या होता था, पहले जो बुआई की जाती थी वह ऐसे की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है? आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों के में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने में समय और श्रम दोनों की बचत होती है। जैसे जुताई के लिए कल्टीवेटर दिखाया गया था कि उसमें समय और श्रम दोनों की बचत होती है, और आजकल कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है, वैसे ही बुआई में भी होता है। पहले क्या था, पहले बैलों द्वारा एक कीप के आकार का औजार होता था, उसके द्वारा बुआई की जाती थी, लेकिन अब क्या हो गया है, आजकल सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। ये होता है सीड ड्रिल, इसको ट्रैक्टरों में लगाकर आसानी से बीजों को बोया जा सकता है। इसमें समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है। नेक्स्ट देखेंगे, खाद एवं उर्वरक। ये क्या होते हैं? मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए जिसे मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी में जब कई हम फसलों को बोते रहते हैं तो क्या होता है, मिट्टी का जो पोषक स्तर होता है वह कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो उसको पोषक स्तर को मिट्टी के बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? खाद एवं उर्वरक का। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? खाद देना। फसलों की पोषकों की कमी को पूरा करने के लिए जब किसान खेतों को खाद देते हैं तो यह प्रक्रम कहलाता है खाद देना। खाद क्या होता है? खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? कार्बनिक जैविक पदार्थ है, जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है खाद? पौधों या जंतु अपशिष्ट से। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जो जंतु एवं पादपों के अपशिष्ट होते हैं उनको क्या करते हैं किसान, एक गड्ढे में डालते जाते हैं और उसको खुला छोड़ देते हैं, जिससे उनका अपघटन हो सके। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, उसमें सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं जिससे उसका अपघटन वो करते रहते हैं। अपघटित पदार्थ खाद्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जब उसका अपघटन हो जाता है तो उसी को क्या करते हैं, खाद्य के रूप में प्रयोग करते हैं। अब आगे देखेंगे उर्वरक क्या होता है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। क्या है उर्वरक? रासायनिक पदार्थ है और ये विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो उर्वरक का उत्पादन कहाँ किया जाता है? फैक्ट्रियों में। जबकि खाद जो थी उसे किसान स्वयं बना लेते हैं गड्ढों में। पादप और जंतुओं के जो उत्पाद होते हैं या अपघटक होते हैं उसके द्वारा वह उसे खुद बना लेते हैं, जबकि जो उर्वरक होते हैं इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सभी क्या हैं? उर्वरक हैं। उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। ये जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। इसके स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। उर्वरक जो होते हैं यह मिट्टी के लिए
हानिकारक भी होते हैं। इनके ज़्यादा उपयोग से क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। उर्वरक जो हैं ये जल प्रदूषण का भी एक कारण बन गए हैं। इसके स्थान पर उर्वरक के स्थान पर किसका प्रयोग करना चाहिए, जैविक खाद का, जो किसान स्वयं बना लेते हैं। तो जैविक खाद ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जबकि उर्वरक जो है वह फसलों को फ़ायदा तो करते ही हैं और साथ में उनको नुकसान भी कर सकते हैं। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए दो फसलों के बीच में खेत के कुछ समय के लिए बिना उगाए छोड़ देना चाहिए। अब मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, दो फसलों के बीच में, जैसे हमने एक फसल बोया उसके बाद जब हमें दूसरी फसल बोना है तो बीच में कुछ समय का अंतराल छोड़ देना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी में पोषकों की आपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। एक तो पॉइंट बता दिया हमने आपको कि एक फसल बोने के बाद कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ दीजिए, फिर कुछ समय बाद दूसरी फसल बोइए, एक तो वह हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है फसल चक्रण। यह क्या होता है, यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। जैसे किसी एक खेत में एक ऋतु में गेहूं बोया गया, उसके बाद फिर दोबारा उसमें गेहूं ना बोया जाए बल्कि कोई अन्य फसल बोया जाए, तो ये क्या होता है, फसल चक्रण। इसमें एक प्रकार की फसल बोने के बाद दोबारा जब बोई जाए तब दूसरे किस्म की फसल बोई जाए, जिससे जो मिट्टी का जिससे जो मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी हो जाती है वह पूरी हो जाती है, उसे फसल चक्रण द्वारा पूरी किया जा सकता है। तो दूसरा तरीका ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में, इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता था। उत्तर भारत के लोग किसान क्या करते थे कि एक ऋतु में फलीदार चारा उगाते थे और दूसरे ऋतु में गेहूं उगाते थे, इससे क्या होता था कि जो नाइट्रोजन की कमी होती थी वह पूरी होती रहती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होते हैं, लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में ग्रंथिकाओं के रूप में पाए जाते हैं और ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आगे देखेंगे उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक एक कार्बनिक लवण होता है और खाद क्या होता है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से बनता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो ये क्या हो गए, उर्वरक और खाद में अंतर हो गए। आगे देखेंगे, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। अभी पीछे बताया भी जा चुका, जो खाद होती है वह उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। मित्र जीवाणु क्या होते हैं, जैसे केचुआ, सर्प, ये सभी किसानों के मित्र माने जाते हैं, तो जैविक खाद से इनमें वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, तो ये क्या हो गए, जैविक खाद से इतने फायदे होते हैं। आगे देखेंगे सिंचाई, बीज बोने के बाद फिर क्या किया जाएगा, सिंचाई की जाएगी। तो सिंचाई में क्या होगा, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है तो पेड़ पौधों को भी होती ही है। पौधों के फूल, फल और बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व होता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। अगर बीजों को जल नहीं मिलेगा तो उनका अंकुरण नहीं होगा, इसलिए पौधों को उगाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब खेतों में कुछ बोया जाता है तो उसमें कुछ कुछ अंतरालों में उसको जल देना आवश्यक होता है, तो यही क्रिया क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होता है।
क्या कह रहा है यहाँ पे कि सिंचाई का जो समय होता है या सिंचाई का जो अंतराल होता है वह क्या होता है, फसलों के अनुसार होता है। अब जैसे धान की फसल होती है उसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो उसमें ज़्यादा पानी दिया जाएगा। मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है, मिट्टियाँ भी कई प्रकार की होती हैं तो मिट्टियों के अनुसार सिंचाई की जाती है और कई अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग। जैसे वर्षा ऋतु होगी तो वर्षा ऋतु में तो बारिश होती है तो उसमें कम सिंचाई करनी पड़ेगी, गर्मी का मौसम होगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ेगी। तो ऐसे सिंचाई की जो समय और बारंबारता है वह फसलों, मिट्टी और ऋतुओं के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है, गर्मी में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी तो गर्मी में बारंबारता अधिक होगी। सिंचाई के स्रोत कुएँ, जलकूप, तालाब या झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि, ये सभी क्या हैं, जल के स्रोत हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ कौन कौन सी हैं, छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र। अब आगे देखेंगे ये होते क्या हैं। छिड़काव तंत्र फर्स्ट, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। कहाँ किया जाता है छिड़काव तंत्र का, असमतल भूमि में किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, किसके लिए अत्यंत उपयोगी होता है, बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। ये देखिए ये यहाँ पे दिखाया गया है छिड़काव तंत्र द्वारा। इसमें क्या होता है, ऐसे छिड़काव किया जाता है जल का जैसे वर्षा हो रही हो। यहाँ पे कई पाइप ऐसे लगे होते हैं जिनके द्वारा पानी का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र क्या होता है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है अतः जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए यह एक वरदान है। छिड़काव तंत्र में क्या होता था कि वर्षा पानी ऐसे दिया जाता था जैसे वर्षा हो रही हो, जबकि ड्रिप तंत्र में क्या होता है, इसमें बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में डायरेक्ट जल गिरता है तो इसे क्या कहते हैं, ड्रिप तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने के लिए निराई, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। खेत में जो पौधे हम बोते हैं उनके अलावा भी कुछ पौधे उगाते हैं उनको क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। इनको हटाने के लिए निराई का प्रयोग किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। विभिन्न रसायनों का प्रयोग करके भी हम खरपतवार को ख़त्म कर सकते हैं जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। उन रसायनों को क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी, जैसे 2,4-D, ये क्या है, खरपतवार नाशी। इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। जो अनचाहे पौधे उगाते हैं, खरपतवार होते हैं, वह इन खरपतवार नाशी का प्रयोग करने से मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। अब आगे देखेंगे कटाई। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। फसल जब पक जाएगी तो उसे क्या करेंगे, उसे काटेंगे तो वह क्या कहलाएगा, कटाई कहलाएगा। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। किसके द्वारा हमारे देश में कटाई की जाती है, दराती के द्वारा। दराती ऐसी दिखती है, देखा होगा कई लोगों ने। काटी गई फसल से बीजों, दानों को भूसे से अलग करना होता है, उसे थ्रेसिंग कहते हैं। जब फसल को काट लेंगे तो उसके बीजों और दानों को भूसे से अलग करना होगा तो उसे क्या कहेंगे, थ्रेसिंग कहेंगे। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। कंबाइन मशीन क्या होती है, ये देखिए ये कंबाइन मशीन दिखाई गई है, ये क्या है, ये हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का ही संयुक्त रूप है, यह होती है कंबाइन मशीन। नेक्स्ट पॉइंट है छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग अलग करते हैं। छोटे खेत वाले जो किसान होते हैं जिनके कम उत्पाद हुआ है तो वह इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को बुलाने से अच्छा खुद ही उन्हें अलग कर लेंगे तो वह कैसे अलग करेंगे, फटक कर। इस विधि को क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। यह शब्द कैसा शब्द है, क्षेत्रीय शब्द है। ये देखिए ये विनोइंग यहाँ पर दिखाया गया है, इसी के द्वारा फटक कर किसान दानों को भूसे से अलग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्न एवं बिहू जुड़े हुए हैं। कटाई के बाद कुछ विशेष पर्व कई स्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कहीं कहीं पे पोंगल मनाया जाता है जब फसल कटने के बाद, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्न और बिहू, ये अलग अलग जगहों के अलग अलग पर्व हैं जो कटाई के बाद मनाए जाते हैं। भारत के सभी जगहों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। कटाई के बाद क्या होता है, किसानों को जो उपज प्राप्त होती है, जो उत्पाद प्राप्त होता है, उससे उनमें हर्षोल्लास और खुशी होती है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। जो किसान के प्रयत्न किए रहते हैं उनका उन्हें फल मिलता है, तो ये उनके लिए क्या होता है, हर्षोल्लास और खुशी का समय होता है। इसलिए पुरुष और महिलाएं सभी लोग मिलकर कटाई के बाद के समय को पर्व के रूप में मनाते हैं। अलग अलग इस पर्व को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कटाई के बाद फिर क्या करेंगे, जब हमें उत्पाद प्राप्त हो जाएगा तो उसका क्या करेंगे, भंडारण करेंगे। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि अगर उसे इधर उधर रख देंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, जिससे वो जो उत्पाद है वह खराब हो सकता है। तो उत्पाद का भंडारण एक क्या होता है, महत्वपूर्ण कार्य होता है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, लेकिन बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उसको पीड़कों जैसे कि कीटों और चूहों से सुरक्षित रखा जा सके। कैसे करते हैं किसान उत्पाद का भंडारण कैसे करते हैं, जूट के बोरों में करते हैं या धातु के बड़े पात्रों में करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जिससे जो उत्पाद है, जो अनाज पैदा हुआ है, उसको कीटों से और चूहों से सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन जहाँ बड़े पैमाने पर भंडारण करना होता है, तो वहाँ कैसे किया जाता है, साइलों और भंडार गृहों में। ये देखिए, ये भंडार गृह हैं और ये हैं साइले। जब बहुत ज़्यादा उत्पाद को का भंडारण किया जाता है, तब साइलों और भंडार गृहों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या है, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार या भोजन है। मछली में क्या होता है, कॉड लीवर तेल मिलता है मछली से, इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, इसे पशुपालन कहते हैं। पशुओं से भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, जैसे दूध, घी, मक्खन, ये सब चीज़ें पशुओं से ही प्राप्त की जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। आज का वीडियो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।